जिनको मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा था तेरा इंतजार, और धवन सेम ग्रुप से है। इनफैक्ट हमारे मेहुल भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं जो तेरा इंतजार के प्रोड्यूसर हैं। और फिर इस गाने को कंपोज किया राजेश शर्मा ने, तो राजेश और धवन मिले और फिर इन लोग ने कंपोज करके मेरे पास गाना लेके आए। तो मैंने धवन को एक ही चीज़ बोली, मैं धवन को काफ़ी जानता हूँ, इज़ वेरी एम्बिशियस। मुझे 2-2.5 साल पहले उसने बोला था कुछ करना है, तो मैंने धवन को एक ही चीज बोली थी, इंटरफेयर नहीं करना और मुझे बड़े कैनवास पे शूट करना है गाने को। एंड आई थिंक इनका पहला कोलैबोरेशन है, पहली बार इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा? पहली बार मतलब ऑफिशियली पहली बार है, बट तेरा इंतजार में तो वो इन्वॉल्व थे, मतलब। बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस फाइनली, यू नो, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग? राजीव भाई ने तो बहुत अच्छे से, मतलब ब्यूटीफुली शूट किया है ये गाना। इतनी होप नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा किया है। शायद ये राजेश भाई ने जो शुरुआत दी हमको ऑडियो बना के, उसके बाद ही ये सब फाइनलाइज हुआ है कि किस लेवल पे गाना जाएगा। और बहुत अच्छे ब्यूटीफुली कंपोज किया है, स्पेबुलस। लेट्स सी, अगर आप सबका प्यार मिला तो आगे मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू राजीव जी। यूजुअली जब लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है एक फीचर फिल्म दिखाने का या फिर एक शॉर्ट फिल्म दिखाने का, तो उन्हें कम लगता है कि वो कहानी बता सके। गाने में कहानी बताना कितना मुश्किल है। वही गाने कोरियोग्राफ करता हूँ जिसमें मेरा काम है। अगर कोरियोग्राफर का काम है तो फिर मैं गाना क्यों करूं? बट एक गाने में कहानी को बताना, जस्टिफाई करना उतनी ड्यूरेशन, मुझे बहुत मजा आता है। आप मुझे 1 मिनट दो, उसमें मैं बता दूंगा कहानी। वाओ, नाइस। ओके, मिष्टी जितना मिष्टी के लिए मैं बोलूंगा पहले, फिर हम लोग ने प्लीज प्लीज। फिर कास्टिंग का टाइम आया, तो मेरा और धवन का बहुत चला। 2 महीने तक तो हम लोग कास्टिंग में लगे रहे, तो फिर रुस्लान को हम लोग ने पहले लॉक कर दिया। फिर लड़की की कास्टिंग आई, फोटोग्राफ देखे हुए, धवन कितने देखे हुए। फिर मैं मिस्ती से मिला, फिर मैं मिस्ती से, मतलब मेरी मिस्ती के साथ मुझे पहले भी काम करना, जब मैंने कांची देखी थी तो मुझे हमेशा था कि इसके साथ काम करूँ मैं। तो जब इसके फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, मैंने इमीडिएटली बोला धवन तो इसको लॉक कर दे, इससे बेटर चॉइस मिलेगी नहीं। एंड आई थिंक आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। बहुत फोटोग्राफ्स देखने के बाद जब भी मिस्टी का आया, हमने शायद विद इन 10 मिनट्स आज ही कंपनी ने लॉक कर दिया था कि नहीं ये डन कर दो। मिष्टी जितना मीठा आपका नाम है, उतने मीठे रोज मिलते हैं आपको, चाहे आपकी फिल्में हो या फिर कोई सिंगर हो। आई डू मैनेज टू गेट यू नो ऑल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस वेयर यू आर लाइक दैट स्वीट ब्यूटीफुल बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय डायरेक्टर्स लाइक राजीव सर जो मुझे पसंद करते हैं एंड प्रोड्यूसर्स लाइक हिम यू नो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस एंटायर टीम यू नो आवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर माय को एक्टर्स एंड द लिरिसिस्ट एंड द कंपोजर्स एंड एवरीबडी एंड द कोरियोग्राफर्स यू नो And I think it's a beautiful song. I can't say it will remind you of your first love, but it will definitely remind you of the second love, jo ekdam final wala love hai life mein. Yeah, so that way, I think it's a beautiful song. It makes you fall in love all over again. So that's why I'm really happy to be a part of it. So, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आप प्लीज पूछ सकते हैं। राजीव जी, सबसे पहला फील ये आता है जब हम अमूमन इस जगह पे बहुत बार आते रहते हैं और इस तरह के एल्बम लॉन्च देखते रहते हैं, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा, खास करके जिस तरह से लिखा गया है। हाउ डू यू प्लान दिस, कि इस तरह का एल्बम प्लान करना है और कैसे हुआ ये? मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं टी सीरीज जी के लिए। मेरा भी एक 3 महीने पहले अरिजीत का भी सॉन्ग आया था, तो लेकिन ये गाना मुझे ना राजेश ने दिया, राजेश और धवन ने। ये एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जितने भी वीडियोज़ किए मैंने गाने प्लान किए, लेकिन ये गाना उन लोग मेरे पास लेके आए। फिर ऑफकोर्स उसको मैंने मॉडिफाई किया मेरी तरफ से, राजीव ने उसको प्रोग्रामिंग किया उस गाने की, जो आप देख रहे हो पूरा राजीव ने किया है और दीपक ने लिखा हुआ है गाना। तो मेरे पास जब गाना आया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर उसके बाद गाने में स्टोरी के बिना तो मुझे लगता नहीं कुछ एसेंस होता है, बिकॉज सिर्फ कोरियोग्राफ करो, सिर्फ डांस करते हुए दिखाओ तो फिर तो नॉर्मल गाना बन जाएगा। मिस्टी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, बहुत कम वक्त में बहुत बहुत कुछ कहना है, पूरी कहानी कहनी है, मतलब आप किसी से किसी के साथ? मेरे लिए तो चैलेंजिंग नहीं था, ये डायरेक्टर के लिए चैलेंजिंग था। मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा, मैं जब हम लोग जब गाना शूट कर रहे थे ना, तो शी इज अ वेरी स्मार्ट आर्टिस्ट। मतलब मैं जब मैं शूट कर रहा, मैं उसको बोलता था क्या, लेकिन स्क्रीन पे उसका प्रेजेंस और भी अच्छा आता है। आप जब शूट करते तो आपका फोकस बहुत सारी चीजों पे होता है ना, लेकिन जैसे बहुत सारी, जैसे सेकेंड हाफ में जो स्टोन वाला सीक्वेंस है, तो वहां पे मैंने उसको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो अभी कश्मकश में चल रही है, कि whether she should give it to her husband, मतलब she should go to her husband, और तो उसने बहुत अच्छे expressions दिए, और वो minutely हम लोग, मैंने edit में भी minutely देख के उसके हिसाब से किया हुआ। रुस्लान ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उनकी chemistry अच्छी है, and मुझे special thanks धवन को बोलना है
बिकॉज फर्स्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद उसने स्पेंड बहुत किया गाने में. इंटरफेयर किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं. इंटरफेयर मतलब एज अ प्रोड्यूसर आर्टिस्ट कौन लेना है, लोकेशंस क्या, डिस्कस तो बहुत करते थे हम लोग, उसको भी सब चीजें भेजनी पड़ती थी मुझे, ऐसा नहीं है, पर इंटरफेयर कभी नहीं किया. Yeah, he's a very good producer. Okay, मिस्टी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितनी जब इस तरह का सिंगल करते हैं तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर की? बहुत बड़ी बात लेकिन बहुत कम लफ्जों में कह के बतानी, जैसे अभी राजीव जी ने कहा एक्सप्रेशन स्पीक्स, तो सब ऑफ कोर्स लाइक द एक्सप्रेशंस हैज टू बी वेरी क्रिस्प. और आपको भी खुद से ऐसा लगता है कि वेदर कनेक्ट हो? मैं बहुत बार राजीव सर से पूछते रही, सर कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इतना कुछ हम करते हैं लेकिन एडिट में वो प्रॉपरली वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक एक्टर के दिमाग में हमेशा चलता रहता है. सो दैट इज इट. अदरवाइज आई डोंट थिंक, अगर आपके पास एक अच्छा टीम हो और एक अच्छा डायरेक्टर हो तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है. दैट्स व्हाट आई लाइक टू से. उर्मिष्ठी, आपने कुछ इनपुट्स दिए थे, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे? नहीं नहीं, आई एम ओनली हैप्पी विद द फाइनल. या no, I just, I always put inputs into my expressions, I put inputs into what I do, but otherwise, बाकी जो, I think वो director का ही है. She's a very smart artist, वो follow करती है director को, वो भी बहुत एक बड़ा challenge होता है actors के लिए, वो सब actors director को follow नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं है ना आप वो character से बाहर निकल, because director is the only person who's seen the whole thing. अच्छा, रुस्लान का एक किस्सा बताना चाहूँगा, रुस्लान है नहीं यहाँ पे, मैंने जब रुस्लान को lock किया तो सब हो गया. रुस्लान तो इज अ वेरी फेमस, उसका फेस इतना फेमस है कि ये गाना जिसको भी दिखाता हूँ बिफोर रिलीज भी बोलते सर इसको देखा हम लोग ने. तो रुस्लान इज और मिस्ती तो खैर स्टार ही है. तो रुस्लान मेरे पास जब शूटिंग के दिन आया, रतन भी था मेरे साथ, रतन इज माई को डायरेक्टर, तो उसने बीएड पहनी थी, बीएड थी रुस्लान की. तो मैंने बोला रुस्लान शेव कब करेगा? तो बोला सर इसी में बीएड में ही शूट करना है. मैंने बोला क्यों? तो बोलता नहीं सर आज ट्रेंड है आजकल, आप देखिए रणवीर और सब बियर्ड. मैंने बोला मेरा विजन ही नहीं है. मैंने बोला मिस्ती जैसी लड़की शी विल नॉट, मैंने उसको पूछा भी मिस्ती को यू विल फॉल इन लव फॉर दिस बियर्डेड गाय, शी सेड नो. तो बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने एग्जैजरेट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं बोला. थोड़ा सा स्टबल तो अच्छा ही लगता है लड़कों में. स्टबल नहीं उसको बियर्ड. अच्छा, वो मैंने नोटिस नहीं किया उसको. तो मैंने फिर रुस्लान ने मुझे बोला आई विश रुस्लान वाज हियर, तो बोला सर डिफरेंट लगेगा. मैंने बोला आई एम सॉरी, मैंने उसको वैसे ही मजाक में बोला कि तू मेरे साथ काम करे तो वैसे ही डिफरेंट लगने वाला है. नो क्या वर्क करेगा, बट मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है हर डायरेक्टर वही करता है जो उसको समझ में आता है. राइट और रॉन्ग तो वो रिलीज के बाद ही पता चलता है ना, अदरवाइज फिल्में फ्लॉप नहीं होती, हिट नहीं होती. कोई कॉन्फिडेंट रहता है कि हां दिस विल बी. हां, मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने किया. और मुझे याद है जब मैंने ये स्टोरी इसकी कंसीव करके राजेश को सुनाए थे, तो राजेश के अंदर काफी बातें होते रहती फोन पे, तो घबरा गया सर. वीडो लड़की, अब अपना मैरिड लड़की और क्या राजेश सबसे पहले मतलब धवन भाई का फोन आया, क्या राज भाई कुछ प्लान करते हैं, कुछ गाना ज़्यादा नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद वो बड़े बनाएंगे. अब ये एक्सपेरिमेंटल है तो बड़े कैसे होंगे जो कह कैसे? तो इन्होंने बोला कि भाई ये गाना पहले ऑडियो बनाते, किसी कुछ बताएंगे नहीं, शुरू कर दिया ऑडियो बना दिया, बोला कि जितना पैसा लगे लगा दो और ज़्यादा लगा दो, जहाँ नहीं लगे वहाँ भी लगा दो, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए. सब लाइव किया, तो राजीव भट्ट जो हमारे उन्होंने गाने का ट्रैक रेडी किया, सब लाइव इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, वायलिन, गिटार, ईच एंड एवरीथिंग. तो फिर राजीव जी को वालिया साहब के लिए फिर मैंने बोला धवन भाई को, ऐसे आप तो जानते हो, क्योंकि वो ही ले गए थे मुझे मिलाने, धवन भाई कमलेश जो भी नहीं आए. तो राजीव मतलब मैंने गाना सुनाया पहले, तो गाना सुनाते उनको क्लिक किया, ये गाना बहुत अच्छा बनाया है, और गाने के बोल भी दीपक नूर ने बहुत अच्छे लिखे हैं, इज वेरी टैलेंटेड लिरिक्स राइटर. तो फिर राजीव जी आपको बताएंगे आगे क्या. फिर उन्होंने बताया यार इसके लिए कास्टिंग बड़ा मुश्किल पड़ रही है, इस शुरू हुई यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है तो लड़की कोई नहीं मिल रही है. दो महीने तक वेट किया सर ने कि भाई लड़की तो करेक्ट चाहिए. फिर ढूंढते ढूंढते कम से कम 70-80 लड़कियों का देखा होगा पोर्टफोलियो राजीव जी ने, धवन कोडरानी साहब ने. मैंने बोला यार देख लो आप लोग, फिर मिस्टी जी का
फोटो फिर भेजा उन्होंने, बोले देख लो ये, मतलब इनको तो देखने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं वेरी क्यूट फेस। तो फिर आगे फिर कहानी शुरू हो गई, फिर बनाया राजीव भाई ने। धवन जी, I like a man with little stubble. Okay, and this but actually if I like somebody, I like him anyways. Like, I like him bald, I like him with or without beard. If I fall in love with somebody, it doesn't matter how he looks. We can talk about that later. And this video suggests that is he asking you to fall in love again? Let's begin it again. Sorry? According to this video, yeah, according to this video, this guy who is already in love with me, he wants me to fall in love with him, because you know, like I had a past, like everybody has a past, and it takes some time to come out of that and start a new life. I think like that. My definition of love, I think if love could be defined, तो किसी के breakups ही नहीं होते दुनिया में. You know, love cannot be defined, but then it's just a feeling when you feel that, you know, like the person. I don't know what love is, but I understand what a soulmate is, and I believe in the soulmate concept, and I really want that the man I marry will be my soulmate, and you know, I might have differences with him, but then it would be easy to sort everything out with him, because ultimately we would want to be with each other, and it's very important that the man should be my best friend. There should not be any veil between us. I mean we should be just two bodies and one soul, like that. That's my definition of love, maybe. And of course you're working on this particular project, you're also working on some other work, but has life changed after Manikarnika? Anything specific or special you're washing up yourself? I cannot say life has specifically changed after Manikarnika, but definitely Manikarnika is a beautiful movie, and also I think I had gained some experiences from Manikarnika that I never had before, some positive and some negatives. So I think with every project you grow in life, so Manikarnika has also contributed to my growth. Yeah. No, actually we were searching for Kashi Bai. Sorry? The director had completed the movie after that he left. Only the patchworkers left when the director was left to the movie. You know, he did not leave the movie. He had to. That's a different story altogether. Yeah. So he completed and left the movie. No, he did not leave the movie actually. Okay. Okay, so the thing is that, you know, I was the last one to join the cast, because according to the director and according to the producer, this was a very important character, and they were searching for Kashi Bai for a long time. They had finalized for someone else before, and then they again changed their decision and they were searching for somebody. So finally I was cast. And about the completion of the movie, I think the director had made the entire movie, and then the patchwork was left. And then he had to sign the other movie, the NTR biopic that he was doing down south. And all he said was, I'll just go back, sign it, take up the work, and come back and do the patchwork. That's what the director said. Okay, I just had a conversation with him even this morning. And he just said that I'll go back, sign the movie, and then come back and do your patchwork. That's what he said. But then I think, I assume that he wasn't welcomed after that. चलो गाना बनाते हैं। ये एक्चुअली क्या था, राजीव भाई के साथ हमारा पहले 13 इंतजार जब हुआ था मूवी, तभी हमने प्लान किया था कि आगे कुछ ना कुछ करेंगे, बट इतना हाइट लेने के बाद मूवी का या उसका वो सब करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, शुरुआत मेरी है अगर पर्सनली तो एक दो सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 गाने के लिए राजीव जी से, राजेश जी से सबसे बात की हुई है। पहला लॉन्ग सॉन्ग है जो भी है, उसके बाद एक जैसे आपने बोला वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग करना चाहिए, या फिर आइटम सॉन्ग आजकल काफ़ी चल रहे हैं, रिमिक्स काफ़ी चल रहे हैं, तो उस पर आगे बात चल ही रही है। नेक्स्ट 6 मंथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आगे 2 सॉन्ग अभी आने वाले हैं, बट मूवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से किया है, भले 10 का सोल लग जाए लेकिन एक बार एक्सपीरियंस मिल जाता है क्या है क्या नहीं, फिर आप बड़े लेवल पे कर सकते हो। किस म्यूजिक लेवल को दे रहे हैं आप? जी म्यूजिक के साथ, जी के साथ। मिस्टी, उसके अलावा भी जो विवाद चल रहा है उसको लेके कल वी मेट रंगोली, रंगोली सेड
कि मिस्टी और क्रिश दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? अब रंगोली के बातों का मैं क्या कहूँ, वो उनके लिए तो पूरी दुनिया झूठी है, और अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं बहुत पहले बोलती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज कंगना के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे थे बिफोर आई वॉच द फिल्म 28 से पहले, और यू नो शी वॉज द वन हु केम अप एंड टोल्ड मी के लाइक आई नीड यू दिस दैट, ये सीन है वो सीन है वट एवर। आई अंडरस्टैंड के द मूवी इज़ अबाउट मनी करने का, ओके, एंड इट हैज़ टू बी अबाउट मनी करने का, इट के नॉट बी अबाउट काशीबाई और तांतिया टोपे और एनी वन एल्स, आई हैव नो डाउट्स ऑन दैट। लेकिन अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक चीज़ समझाऊँ, मुझे बोला गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू, ओके, मुझे बोला गया कि आप मूवी में साइन करने से पहले, इस मूवी में आपका 5 मिनट का कैरेक्टर है, उस 5 मिनट में आप गोली चला रहे हो, आई टेक दैट फॉर ग्रांटेड, फिर मैं वो मूवी साइन करती हूँ। साइन करने के बाद जब मूवी बन के स्क्रीन पे आता है, तब मुझे ये दिख रहा है कि वो 5 मिनट में मैं गोली नहीं चला रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो कोई भी डिसअपॉइंटेड होगा, यू अंडरस्टैंड? सो और ये सब उसके बाद के, यू नो लाइक आफ्टर हैड अ डिस्कशन विद द डायरेक्टर, विद कंगना, विद कमल जैन, उसके बाद हमने पूरी मूवी शूट कर ली और डबिंग भी कर लिया, उसके बाद अगर कोई मूवी को चेंज करे, छेड़खानी करे विदाउट माई नॉलेज, तो किसी को भी लगेगा, इट्स अ वेरी हर्टफुल थिंग, यू नो। I'm not saying के I'm not accusing anyone, maybe you know उनकी भी अपनी वजह होगी ऐसा करने के लिए, लेकिन I think के it's किस कोई भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही दुखदायक होगा, that's what I would like to say, and I just spoke up for myself, I'm not speaking against the movie or anything, I think it's still a beautiful movie for the subject, but then मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो we live in a democratic country and मुझे अपने साथ हुए गलत को कहने का पूरा हक है, और मैंने भी नहीं बोला था एक्चुअली इनिशियली, आफ्टर द डायरेक्टर क्लैरिफाइड अबाउट माई कैरेक्टर एंड देन उसके बाद जाके मैंने मुंह खोला, मैं तो स्क्रीनिंग के बाद ही बोल सकती थी, यू नो, बट देन आई डिसाइडेड टू कीप साइलेंट, बट देन द डायरेक्टर स्पोक अबाउट मी एंड दैट वॉज द टाइम आई वॉज आस्क्ड बाई मैनी पीपल एंड देन आफ्टर दैट मैंने सबको बोला, यू नो, इट्स लाइक दैट। जैसे आपने कहा कि कंगना ने आपसे कहा था कि ये बड़ा अच्छा रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मतलब आप ये मानती हैं कि कंगना ने भी आपको अंधेरे में रखा? देखिए, इनिशियली मेरा डील तो कंगना के साथ नहीं हुआ था, बट द ब्रीफ इज गिवन टू यू बाय कंगना, आई विल टेल यू, आई विल कम टू दैट। इनिशियली कमल जी मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि मिष्टी इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, देयर इज सो मच ऑफ स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माय स्क्रीन टाइम, आई एम कंसर्न्ड कि मैं वो 5 मिनट में भी क्या कर रही हूँ, और यही मैंने कमल सर से पूछा, एंड कमल सर ने मुझे जो नरेशन दिया वो दैट वॉज ग्रैंड, ओके, एंड देन आई स्पोक टू द डायरेक्टर ऑल्सो, वी शॉट ऑल्सो, एवरीथिंग वॉज डन। उसके बाद जब डायरेक्टर चले गए, मेरा उस वक्त वो नहीं गए, आई वुड से ही वॉज फोर्स्ड टू गो, तो उस वक्त पे मेरा उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी, तभी कंगना टुक अप द डायरेक्शन पार्ट। तो उसके बाद कंगना ने मुझसे कहा कि जो भी मूवी हमने बनाई थी उसमें कोई भी कैरेक्टर डेवलप्ड नहीं है, दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, यू नो लाइक अभी तो सिचुएशन डिफरेंट ही है, बट देन उन्होंने मुझे आके बोला कि यू नो कोई भी कैरेक्टर डेवलप्ड नहीं है मिष्टी, आपको आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ से जा रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ और ज़्यादा करना चाहूँगी, बोल के दे आस्क फॉर माई डेट्स, और तभी ऑब्वियसली उससे पहले बोल दिया गया था कि मूवी ख़त्म हो गई है, और मैं दूसरी मूवी साइन भी कर ली थी मैंने तभी, तेलुगु मूवी, तो उसके बाद फिर भी मैंने कैसे भी डेज अरेंज किए और मैंने अपना शूटिंग कंप्लीट किया, बट देन बाद में मुझे पता चला कि उनको न्यू सीन्स चाहिए थे, न्यू डेट्स इसके लिए चाहिए थे, बिकॉज यू नो वो इनसिग्निफिकेंट एक दो लाइन डाल के पहले वाले को वो चॉप कर पाए, नहीं तो मैच इट अप, अदरवाइज एकदम से मेरा रोल काट दोगे तो फिर मेरा भी रीशूट करना पड़ेगा, जैसे सोनू सूद का पूरा रीशूट हुआ, एकदम से मेरा पूरा काट दोगे, मुझे आउट ही कर दोगे, तो वो सारे सीन्स रीशूट करने पड़ेंगे ना, उसको मैच करने के लिए एक्स्ट्रा डेट्स की जरूरत। और आखिरी सवाल, सोनू सूद, क्रेश, आप तीन तीन लोग मिलके झूठ तो नहीं बोल सकते ना? Do you agree with this? देखो मैं तो obviously मैं बोल ही रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और क्रेश के बारे में आप किसी को भी पूछ लीजिए, he is such a genuine person and you know like I always wanted to work with him. तो मेरे लिए बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ था कि फिल्म के बीच में से अगर कोई आपको उठ के बोले कि आपने जिस डायरेक्टर को साइन किया था वो डायरेक्टर अभी नहीं है, अभी ये है डायरेक्टर, इसी को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म का 90% शूट होने के बाद मैं फिल्म छोड़ के तो जा नहीं सकती, अब मुझे बोला गया बाकी 10% ये डायरेक्टर शूट करेंगे, तो किस आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होगा,
किसी को भी होगा, इसमें क्या गलत बात है? तो तीन झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और एक झूठ, इसके तीन ही अगर आप काउंट करोगे तो बहुत है। मैं अनुज पांडे जी को यहाँ पे बुला I am Deepak Noor lyricist writer. ये बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक सॉन्ग है जो बहुत ही फीलिंग्स वाला सॉन्ग है और अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है और वैलेंटाइन डे के ऊपर ये सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आई एम डायरेक्टर राजीव वालिया, ये गाना मैंने शूट किया है और मैं तो होने दे शुरू रोमांटिक सॉन्ग है और गाना तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। आई एम प्रोड्यूसर धवन कोडरानी, शुरुआत की है होने दे इसके शुरू ये सॉन्ग से, लेट्स सी आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मैं चाहता हूँ बने और मैं देता रहूँगा। दो तीन गाने अभी आगे हमने प्लान किया है राजीव भाई के साथ, बस आप सबका प्यार मिलेगा तो विल डू अगेन समथिंग गुड फॉर यू। आई एम राजेश शर्मा, कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, ये सॉन्ग का म्यूजिक डायरेक्टर, और एक रोमांटिक गाना करने का बोला था धवन कोडरानी साहब ने कि रोमांटिक गाना करना है, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो काफ़ी अच्छा गाना बनाया दीपक नूर ने, अच्छा लिखा है और राजीव वालिया साहब ने तो कमाल का डायरेक्शन दिया है, तो आप देख लेता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गाना। अच्छा, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, ये गाने का आइडिया धवन कोडरानी साहब का, जो हमारे बगल में बैठे हैं गाने के प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई एक गाना हम प्लान कर रहे हैं, एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाते हैं, बाद में बड़े गाने बनाए तो यही बड़ा बन गया है, आगे तो बड़े और बनेंगे वो आप सोच रहे हो, तो उन्होंने बोला एक रोमांटिक गाना बनाओ क्योंकि आजकल रोमांटिक चल रहा है, दौर चल रहा है रोमांटिक गाना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया मिलने के लिए धवन भाई से, तो उन्होंने एक कुछ ब्रीफिंग दी हमें कि ऐसा ऐसा रोमांटिक सॉन्ग बनाओ, सोलो बढ़िया सिंगर लेना है, बड़ा सब डायरेक्टर लेना है, बड़ा लिरिक सब कुछ बड़ा चाहिए, वो फिर बनाया और बनते 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 बहुत अच्छा गाना बन गया ये गाना। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी टीम वर्क से काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और आजकल क्या हो गया है, दौर सब चलता है मिलियंस पे, कितने मिलियन मिल रहे हैं, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 45 मिलियन, वॉट एवर जो भी चल जाए, बस अगर गाना इतना अच्छा बना है तो आगे बहुत अच्छे से जाए, तो बस वही सोच के आज अच्छा मन मना गया है, दैट्स व्हाई नथिंग एल्स। अच्छा, तो मुझे वहाँ देख के बोलो, कनेक्टिविटी टूट जाती है, मैं कनेक्शन वाला डायरेक्टर हूँ। मुझे लगता है ये जो होने दे शुरू है इसमें अगर आपने मेरे बाकी के गाने देखे होंगे या अभी जो मैं सॉन्ग्स प्लान कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टोरी को ये देता हूँ और स्टोरी को मैं क्या करता हूँ, विजुअली बहुत खूबसूरत शूट कर लेता हूँ, कैमरा मूवमेंट्स अच्छे रखता हूँ, लाइटिंग मेरे जो DOP है वो जॉनी लाल है, वो आज आए नहीं अपने सामने, बट फिर जीप का बहुत यूज़ करता हूँ, ड्रोन यूज़ करता हूँ, तो टेक्निकली गाने को लोकेशंस के साथ है ना नरेशन के साथ खूबसूरत बना देता हूँ और मुझे स्टोरी नरेट करने में बहुत मज़ा आता है। अगर स्टोरी नहीं होगी गाने में, मुझे आप कोई भी डांस नंबर भी दोगे तो उसमें भी मैं कुछ स्टोरी डिस्को में क्रिएट कर दूँगा। ये गाना जी म्यूजिक रिलीज कर रहा है और इनफैक्ट रिलीज हो गया होगा, आप अपने YouTube लिंक चेक कर सकते हैं, अभी वो रितेश को मिल जाएगा लिंक्स, और सेकंड कल से या परसों से ETC और जिंग में आना भी शुरू हो जाएगा और बस बाकी आप लोग सब आई थिंक बहुत खूबसूरत मीडिया है, मैंने म्यूजिक वीडियो के लिए इतना बड़ा मीडिया कभी देखा नहीं, सब वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे एंड आप अभी आप लोगों के हाथ में इस गाने को प्रमोट करना, अगर आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो इसको उसी तरह से प्रमोट कीजिए तो गाना बड़ा बन जाएगा। सेकेंड गाने का
हाँ अभी ये गाना तो ख़त्म हो गया, खैर मुझे तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा, क्योंकि ये गाना फिल्म की तरह ही है, वो 25 फ्रेम्स, 24 फ्रेम्स, DPX, DI, जैसे मैं फिल्म में जैसे तेरा इंतज़ार की थी, तो मेरा फॉर्मेट भी फिल्म होता है, कैमरामैन भी फिल्म होता है, फिर इक्विपमेंट भी फिल्म की तरह होता है, प्रोसेस भी फिल्म का होता है, तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा इस गाने को बनाने के लिए। कल रात तक तो प्रोमो ख़त्म किए मैंने, 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स, तो अभी ये इस गाने का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है फिजिकली मेरे लिए। अभी प्रमोशन का पार्ट है, उसमें प्रोड्यूसर का पार्ट ज़्यादा रहता है, और होपफुली आज शाम को हम लोग नेक्स्ट गाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग ने जो मैंने और धवन ने जो डिस्कस किया था वो मोस्टली हम लोग के, राजेश भी इन्वॉल्व है हमारे साथ, वो शायद हम लोग राहत फतेह अली जी के साथ करना चाहेंगे। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ एक स्टोरी बेस्ड गाना जो मैं अब्रॉड शूट करूँ राज जी के वॉइस पे, तो वो नेक्स्ट गाने की प्लानिंग है। तो आज शाम को हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल धवन फिर से कच्छ निकल, धवन कच्छ से गुजरात से, बॉम्बे में रहते नहीं है, तो कल वो निकल जाएंगे। थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको वंस अगेन, मीडिया को, राजीव भाई को, राजेश शर्मा जी को, दीपक नूर को, और स्क्रीन के पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। अरे कमलेश भाई कम, अरे कमलेश को माइक दो, ये अभी तक ओनली वे थे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल मेहनत, इन्होंने भी बहुत कुछ सॉन्ग के लिए सोचा है, किया है, जो अंदर बातें हुई बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कमलेश ठक्कर है, ये हमारे प्रोड्यूसर है, सेकंड प्रोड्यूसर है, धवन के पार्टनर है, धवन और कमलेश ने मिलकर गाना बनाया है। और मैं, मुझे याद है एक इंसिडेंट तेरा इंतज़ार का, जब मैंने फिल्म स्टार्ट की थी तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे बिजल मेहता जी ने, तो धवन और कमलेश को मेरे सामने बिठाया था, बोला राजीव भाई इनको सब्जेक्ट सुनाओ, तो मैंने इनको दोनों को 2 घंटे का नरेशन दिया था बिजल भाई के बंगले में वहाँ पे, तो तब से मेरी इन दोनों के साथ दोस्ती है, 3 साल हो गए अभी। और कमलेश बिजनेसमैन है, तो डेफिनेटली वो उनका थोड़ा शेड्यूल तो हेक्टिक रहता ही है, और टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कमलेश का, तो अभी कमलेश कुछ बोलना चाहेंगे। जी बहुत अनुभवी डायरेक्टर है राजीव वालिया जी, सब लोग जानते ही हैं उनकी तेरा इंतज़ार जो मूवी थी उनमें उनका अनुभव हमें दिखाई है, और राजेश शर्मा तो नोन पर्सन ही है आज की तारीख में, म्यूजिक डायरेक्टर, वन बाय वन बैक टू बैक इनके सॉन्ग्स आ ही रहे हैं कंटिन्यू में, तो बहुत अच्छा इन्होंने रिलीज़ किया है, बहुत वाकई तारीफ के काबिल है। थैंक यू सो मच। Starting from the producer to the director and the actors, you know, it was just मेरे लिए तो ये एकदम घर जैसे था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पिकनिक करने गई हूँ, तो बहुत मज़ा आया। अगर सॉन्ग की बात करें, कितना कनेक्ट किया आपने और लव स्टोरी है इसमें, कितना कनेक्ट किया और क्या ब्रीफ था कनेक्ट करने का? लव स्टोरी, मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्त्री के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज़ में लोग है ना दूर रखते हैं, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है। तो मैंने मिस्ती की, सुभाष जी के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, तो मैंने मिस्ती की कांची देखी थी, तो मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है, फिल्म कर, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा। और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्ती के फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो मेरे कोई जान पहचान में ओपी नाम के सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्ती के, मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्ती से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फोटोग्राफ भेजे, और जब मिस्ती फाइनल की हम लोग ने, उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्ती को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला उसको पूरा नरेशन याद था, तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। ओके, तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स, और एक सॉन्ग है जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया था। इसके अलावा आप गाना भी गाती है, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं गाना नहीं गाती हूँ? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपने सोचा नहीं ऐसा गाना गाने का?
नहीं नहीं मैं तो सिर्फ नहीं, मैंने प्रोफेशनली तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ मैं गाना तो दिन भर ही गाती रहती हूँ अपने घर पे। एक्चुअली रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है उसका सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई और उसने सॉरी भी बोला है और उसने मीडिया बाइट्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइड अप है, वरना वो डेफिनेटली आता और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो आपको पता ही चल जाएगा दो वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है। हाँ मैंने देखी फिल्म। किसका परफॉर्मेंस? मिस्टी का तो अच्छा ही, आप मैंने शूट किया तो मैं तो नहीं, मुझे की बात कर रहे हैं। अच्छा बाकी रोल कम है वो तो, लेकिन कम रोल था लेकिन वो तो अच्छा, मिस्टी तो अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने उसका पूरा गाना किया है और मैंने पूरा गाना हम लोग ने स्पॉन्टेनियसली शूट किया, ऐसा भी नहीं कुछ होमवर्क किया है हम लोग सेट पे डिस, क्योंकि मैंने उसको बोला था स्पॉन्टेनियस ही रहना, मैं जब भी मैं आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ मैं उनको बांध नहीं देता हूँ, मुझे मैं पहले उनके प्लस पॉइंट्स देखता हूँ प्लस माइनस क्या है, फिर मैं उनको उसके हिसाब से कैरेक्टर में डाल देता हूँ। तो मिस्टी के यार तो मुझे पता ही नहीं कब हम लोग ने शूटिंग की, ऐसा भी नहीं कि बहुत होमवर्क किया, बिकॉज शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस और मैं बहुत प्रिपेयर था गाने को लेके, मेरा होमवर्क बहुत रहता ही है, मेरी टीम भी अच्छी है, रतन है, राजीव है, राजेश है, धवन बहुत इंटरेक्ट करता है मेरे साथ, कमलेश बहुत इंटरेक्ट करता है, तो हम लोग पूरा होमवर्क करके शूटिंग पे गए थे और मिस्टी ने तो बहुत इजीली किया परफॉर्मेंस। जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम देखते हैं इंडस्ट्री है, इसी तरह से इंडस्ट्री चलती है, यू नो, एक कैंचियां कटती है, अगर कोई बड़ा कोई आर्टिस्ट होता है, सेलिब्रिटी होता है, हम ये बहुत वक्त से देखते हैं। और इस फिल्म में जब हमने मणिकर्णिका देखी तो हमें लगा कि योर कैरेक्टर वॉज वेरी पावरफुल इन द फिल्म, बट देन अगेन देयर वाज सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हुई और आपके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस तरह से कैरेक्टर आगे बढ़ सकता था लेकिन बढ़ा नहीं। तो मुझे एग्जैक्टली जो कहना था आई थिंक मैं कह चुकी, अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनीवेयर, हम बोलेंगे उसके काउंटर में जवाब आएगा, फिर हम बोलेंगे, तो इस नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, यू नो। तो किसी को भी आप साइन करते हो उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है, तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है, वो प्लीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका स्क्रीन पे रखे, तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, वो बनता है कि हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है, लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू ग्लोरीफाई योर सेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो, वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से, और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। मिस्टी मैम फर्स्ट स्क्रीनिंग में थी, वहाँ पे जब स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की, कंगना मैम भी थी, सारी कास्ट थी, जब फिल्म देखी आपने तो कंगना से बात की और क्या रिएक्शंस थे? नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की, बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो अब स्क्रीनिंग में क्यों थी, जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फिल्म देखी ही नहीं थी, स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई, आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर, एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से है, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग
के पहले के हैं, जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है, मतलब मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है. तो डोंट कंट्राडिक्ट बाई सेइंग के लाइक मैं वहाँ पर क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था. मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था. इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमान संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी? मतलब डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए इसके लिए उनको मजबूरी okay, तो आपने डायरेक्टर से बात की? But lot of news reports have come that time and they clearly mentioned that the director was left the film. देखिए हमारे देश की नहीं, मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं. अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हो, अगर आप बात नहीं करो आप चुप हो, मतलब आप गलत हो. तो क्या करें भाई, यू नो डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज तक के फिल्म को अफेक्ट ना हो. लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक. बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के एक दो हफ्ते बाद बात करें, यू नो दैट वॉज हिज प्लान. बट देन पीपल केम टू हिम डायरेक्टली एंड दे वर आस्किंग हिम, एंड कब तक कोई चुप रहेगा? तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कंप्लीट की. ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया. पूरा फिल्म कंप्लीट हुआ उसके बाद वो उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से और सबसे ये बात बोली कि यू नो लाइक आई नीड टू साइन अ फिल्म डाउन साउथ, तो NTR की जो बायोपिक है तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो कि थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है. तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वॉन्टेड टू कम एंड कम्प्लीट द पैच वर्क. लेकिन तब तक यहाँ पर डिसाइड हो गया था कि यू नो फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है और कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा. सो ही वॉज इन वेलकम्ड आफ्टर दैट, यू नो द डायरेक्टर वॉन्टेड टू कम बैक एंड डू द पैच वर्क बट ही वॉजेंट वेलकम्ड ऑन आवर सेट्स. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ. जितना आपने जो कुछ बताया, क्या ये सिर्फ ईगो मैटर, किसी के ईगो का अहंकार का मैटर है जिसके वजह से ये सब? ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ. लेट पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लेट देम डिसाइड ईगो के लिए है या किसका ब्लेम है क्या है. मैं किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ ना किसी के ईगो के बारे में कुछ कह रही हूँ. मैं बस वो बता रही हूँ जो हुआ है. आई एम जस्ट द नरेटर ओवर हियर. आई एम जस्ट नरेटिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, माय एक्सपीरियंस, एंड आई एम ऑल्सो नरेटिंग व्हाट हैज़ हैपेंड टू द डायरेक्टर. और जो सब कुछ आप लोगों ने जाना है इतने टाइम तक, उनमें से काफ़ी कुछ गलत है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो गलत चीज़ें आप जान रहे थे, सच बात क्या है. हर्ट तो कोई भी होगा ना, मतलब जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप फिल्म में ये करो. लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मणिकर्णिका का फिल्म है तो मणिकर्णिका के ऊपर ही होगा ना, काशीबाई के ऊपर, तांतिया टोपे के ऊपर, सुंदर मुंदर के ऊपर नहीं हो सकता है. डेफिनेटली नहीं हो सकता है. बट देन जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिल्म में आपका क्या है एग्जैक्टली, वो तो कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता ना कि फिल्म में आपको बोला जाता है कि आप ये कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो तो झूठी बात है ना. और वो भी somebody tricks you into giving extra dates ताकि आपके पहले के scenes काट पाए, that is very wrong, ऐसा मुझे लगता है. और दूसरी बात ये है कि जिसके साथ मैंने साइन किया वो डायरेक्टर कोई और था. अगर एक दिन अचानक से जब फिल्म ख़त्म होने वाली है कोई आके मुझे बोले कि मैडम आपका डायरेक्टर ये नहीं ये है और वो भी आपके को स्टार है, तो ये तो सबको पता है कि हम आर्टिस्ट बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, हर आर्टिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो मैं तो कभी ऐसा फिल्म ना करूँ जिसका एक्टर ही डायरेक्टर है, यू नो, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके तरफ से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलत ही हो जाएगा ना. तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है, यू नो. सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है. डायरेक्टर के नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग. डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे. दैट इज़ व्हाट अ रियल डायरेक्टर इज. रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड
आर्टिस्ट नहीं हो सकता है. आर्टिस्ट हैज लिबर्टी टू डू दैट, अ डायरेक्टर कैन नॉट डू दैट. डायरेक्टर हैज टू बी फेयर टू एवरीवन इन द फिल्म. मैम एक्चुअली आप भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं, राजीव भी है और आप भी हैं यहां पे. आगे चांसेस, अभी कुछ प्लान्स हैं मिश्री के साथ आगे काम करने का? जैसे हमने बताया, आगे का प्लान हम कर रहे हैं राज जी के साथ, राज फतेह अली खान के साथ. और सी इज आई थिंक आल्सो बिग फैन ऑफ राज फतेह अली. आई एम अ बिग फैन, आई एम बिग फैन. राजीव जी को बहुत पसंद है, मिश्री को बहुत पसंद है. टू थिंक अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ राज फतेह अली जी. क्रिश सर सिर्फ फिल्म साइन करने गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं आगे, और वैसे भी सिर्फ पैच वर्क बाकी था फिल्म का, सिर्फ पैच वर्क बाकी था और क्रिश सर ने बोला था मैं आगे कंप्लीट करूंगा. लेकिन उसे जब उसी विषय में बोलना चाहिए था मैम, या तो इवन कास्ट को, जो जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब पिक्चर क्योंकि चल रही है, अच्छी चल रही है, राइट, कभी ना कभी सराहा जा रहा है, राइट, राइट. ओके, तो क्या मुझे पता था? मैं, यू थिंक आई एम ऑल्सो समबडी हु सिट्स एट द एडिट टेबल टू सी मेरा कितना रखा गया कितना नहीं. डायरेक्टर को दिखाया नहीं जाता था एडिट. फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नो वन, आई एम जस्ट स्टार्टेड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. That's a million dollar question. Because she is also directing a film which is best. Yeah, but continue. Jee, nahi.